तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक 7 है फ़ोन है, 7A 8A और 8A Dual में हमें ये दिक्कतें आती है कि जैसे हम MMC चेंज करते हैं तो MMC चेंज करने के बाद ये सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय लिखा आता है और इसका सोल्यूशन हमारे पास है। हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत बताने चाहूँगा इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि इसमें जो है ABCPU लगा हुआ होता है और ABCPU अगर आप गूगल करेंगे तो इसको पूरी जानकारी मिल जाएगा आपको ABCPU और ABCPU होने के कारण इस तरीके से आता है। और इसमें क्या है कि अगर इसको आपको चालू करना है तो आपको CPU को भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और आपको MMC को भी काम करना पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा सोल्यूशन है यहाँ पे। तो अगर ये मैसेज कब आता है कि आप कभी अपडेट या चलते चलते के कारण भी अपडेट आ जाता है या फिर आप कभी MMC चेंज प्रोसेस कर रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा और सारा कुछ, और भी आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप MMC से रिलेटेड आप यहाँ पे टेक्निकल मिलन चैनल है, उसमें भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी MMC से रिलेटेड। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, ये मैसेज अगर आपके पास आ रहा है, अगर आपके पास ये रेडमी का 7A फ़ोन था और ऐसा मैसेज आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, आपको सबसे पहले फ्लैश करना है। तो मैं बता दूँ आपको, 70% या 60% फ्लैश करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर मान लीजिए फ्लैश करने के बाद भी सेम प्रोसीजर है या आपने कभी MMC चेंज प्रोसेस किया था और ये कंडीशन आ गया है यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे CPU और MMC दोनों को चेंज करना होगा गाइज। तो आप फिर से रिपीट सुन लीजिए, आपको यहाँ पे CPU और MMC को दोनों को चेंज करना होगा। सबसे पहले आप MMC चेंज प्रोसेस करेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो उसके बाद उसका CPU भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें जब ABCPU आता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है गाइज। तो वीडियो को लास्ट इन तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फॉलो कीजिएगा, अगर आप मिस करेंगे तो आप शायद इसका सोल्यूशन ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कुछ CPU में चेंजेस किया हूँ और ये CPU देख सकते हैं, ये ABCPU लगा हुआ है, इस CPU में कुछ चेंजेस किया हूँ और मैं यहाँ पे एक RPM भी क्लीन वाला MMC मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। और MMC लगाने के बाद इसको सीधे हम UMT से फ्लश करेंगे और इंजीनियरिंग फाइल से फ्लश करेंगे। तो चलिए इसको इंजीनियरिंग फाइल से फ्लश करके देखते हैं हमारा सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे आ जाता हूँ और सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो ऑटो पोर्ट बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो मैं लगा लेता हूँ इसको, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पोर्ट है ये आ गया है। इस बार हम क्या करेंगे, सिंपली UMT से इंजीनियरिंग फाइल को फ्लैश कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम में टिक लगाएंगे और मैं यहाँ, ये मेरा इंजीनियरिंग फाइल है, इसको ओपन कर लूँगा और सिंपली इसको फ्लैश कर दूँगा। और फ्लैश करने के बाद देखेंगे कि मेरा मोबाइल फ़ोन सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय में रुका हुआ है, जो पहले कंडीशन में है उस कंडीशन में है, या मेरा मोबाइल इंजीनियरिंग मोड में चालू हुआ है। मैं आपको पूरा चीज़ दिखाता हूँ। ये देखते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पहले वही सेम फाइल से ही हमने फ्लैश किए थे, सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय लिखा आ रहा था। अब हमने कुछ CPU में चेंजेस किए हैं, अब देखते हैं हमारा क्या है। इतने देर तक तो ये देख सकते हैं हमारा इंजीनियरिंग मोड में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल चालू हो चुका है। अब हम इसमें डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करेंगे और हमारा जो सिक्योरिटी नंबर है इसको राइट करेंगे, और सिक्योरिटी नंबर राइट करने के बाद हम इसमें जो है नॉर्मल फाइल राइट करेंगे। तो मैं ये सिक्योरिटी नंबर राइट करना इसको स्किप कर रहा हूँ और बाकी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नॉर्मल फाइल हम राइट करेंगे या हम मॉडिफाई फाइल राइट करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल फाइल तो नहीं है, ग्लोबल फाइल मॉडिफाई फाइल की बात कर रहे हैं।
नॉर्मल फाइल नहीं है। तो ये देख सकते हैं कुछ हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ये इंजीनियरिंग मोड में चालू हो चुका है ना, ये इंजीनियरिंग मोड में चालू हो चुका है, लेकिन इस कंडीशन में कस्टमर यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इसको जो है ग्लोबल मॉडिफाई फाइल में प्लस करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है मॉडिफाई फाइल मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ और सिंपली मैं फ्लैश कर दूंगा, और इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको जो है देखने में थोड़ा दिक्कत, टाइम आपका ना वेस्ट हो। तो यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, हम देखते हैं हमारा मोबाइल फोन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है फटाफट। ये देख सकते हैं हमारा सेकंड लोगो आ चुका है, 3 डॉट आ चुका है, इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा और चालू होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो चालू हो चुका है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये वही वाला बोर्ड है, वो कोई दूसरा बोर्ड नहीं है सर। थोड़ा दिखाइए ये कौन सा बोर्ड, ये वही वाला जो पहले आपको मैंने दिखाया था वही वाला बोर्ड है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल बिल्कुल ओके हो चुका है, जो सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय था, और जो सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय था और इसको हम बिल्कुल वर्किंग में ले चुके हैं।